तो इस कंपनी को डिलीट कर दो, ये अर्पिता मिश्रा ये कंपनी बनी हुई है, इसको डिलीट करने के लिए कहां जाएंगे, F3, हाँ F3 प्रेस करेंगे, तो आप कीबोर्ड से आप F3 प्रेस कीजिए, कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कीजिए। अब ये ओपन हो गया लिस्ट ऑफ कंपनी, इसमें आपको जाना है अल्टर कंपनी पर, तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, नेविगेशन की, बहुत सही, आगे अल्टर पे जाना है, अल्टर पे, क्रिएट पे नहीं जाना, अल्टर पे जाना है। तो अभी आप ऊपर चली गई हैं तो नीचे आना है, अब एंटर प्रेस कर, अब ये कंपनी आ गई आपके सामने, अब इसको डिलीट करना है, तो अल्ट के साथ आपको सिर्फ डी प्रेस करना है और ये कंपनी आपकी हो जाएगी डिलीट, ठीक है। तो अल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए, अल्ट डी, ठीक है, अल्ट डी। अब देखिए ये कह रहा है कि आप डिलीट कर दें इस कंपनी को, तो आप केवल वाई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, पूछ रहा है कि सही में डिलीट कर दें, डिलीट कर देना, डिलीट हो गया, ठीक है। अब नई कंपनी बनानी होगी तो क्या करेंगे, तो यहां से बाहर आएंगे, बाहर आने के लिए एस्केप बटन, ठीक है, और बाहर आइए, एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अब पूरा बाहर आ जाएंगे, तो हमें पूरा बाहर नहीं आना है, हमें यहीं पे रहना है, तो हम कीबोर्ड से एन बटन प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहां पर क्रिएट कंपनी आ रहा है, अब आपको वही कंपनी दोबारा से बनानी है, क्योंकि जब तक कंपनी बनाने में स्किल नहीं हासिल होगी तब तक आप आगे टैली में नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो आप जाइए क्रिएट कंपनी पर, बिल्कुल ठीक, एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, देखिए ये फॉर्म आ गया। अब हमको यहां पर कंपनी का नाम देना है, दे दीजिए आराम से, आराम से लिखिए, हाँ वेरी गुड, एंटर प्रेस कीजिए। मेलिंग नेम में अपने आप आ गया ना, इसी नेम पर मेल किया जाएगा, अगर कोई पत्र लिखना हो या कोई कुरियर वगैरह कुछ भी आए तो इसी नेम से आएगा। अब यहां एड्रेस डाल दीजिए, तो अपने गांव का नाम डाल दीजिए, एंटर कीजिए। यहां पे स्टेट चूज करना है, आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको यहां पर उत्तर प्रदेश नहीं नजर आएगा तो यू प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है। यू प्रेस किया, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा, नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। सिलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश आ गया, अब यहां पिन कोड डाल दीजिए 274001। अब ये सब डिटेल चाहे तो आप डाल सकते हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, एंटर कीजिए। अभी हमारा कर्सर यहां पर नहीं जाता है, रुपीज में और INR, ये आपका फॉर्मल नेम है इंडियन करेंसी का, और ये इंडियन करेंसी का सिंबल भी ऊपर दिया हुआ है। अभी हम आ गए फाइनेंशियल ईयर पर, इसमें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो उनको यही बताया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है वो डाल दीजिए, और जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका 1/4/2020 है, ठीक है, तो ये आपने डाल दिया। अब जैसे ही वो नीचे आते हैं तो गलती क्या करते हैं, यहां पे डाल देते हैं 31/3, अगर आप डाल देती हैं तो क्या होगा, यहां पे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहां पे 31/3/2021 नहीं डालना, काम आपका कब से शुरू हो रहा है वो चीज डालनी है, ठीक है, क्योंकि 31/3 पे तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि 2/5/2020 से ही आपका काम शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, लेकिन आपका काम कब से शुरू हुआ, 2 मई 2020 से, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ये हो गई आपकी कंपनी बनाने की एंट्री पास, ठीक है। यहां पर ये GST पहले से इनेबल है, तो यहां पर क्लिक करके और एन प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो नो हो जाएगा, और फिर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएगा, यहां पर एन प्रेस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां नो हो गया। अब एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक इसको एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, आपकी कंपनी बन करके तैयार है।